स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका डीडी फ्रीडिस में। इस वक्त डीडी फ्रीडिस के सभी यूजर्स के लिए 2 साल का इंतजार जो है वह कहीं ना कहीं समाप्त तो होने जा रहा है। जी हाँ, 2 साल पहले 2021 में डीडी फ्रीडिस के लिए एक नए चैनल की जो अपडेट है वो आप सभी के लिए मैंने दी थी। जी हाँ, जो ही सिमारो क्लासिक नाम से था, जो कि एक ओल्ड फिल्मों का जो चैनल है डीडी फ्रीडिस के सभी यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाने वाला था। बट यहाँ पर जो अपडेट थी वो काफ़ी दिनों तक ऐसे में अपडेट में आपको दिया था, उसके बाद से इस चैनल से कोई भी अपडेट नहीं आई थी, इसके ना ही कोई टेस्टिंग शुरू की गई थी। फिलहाल में आज के दिन इस चैनल को लेकर काफ़ी बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है। ये जो चैनल है डीडी फ्रीडिस के सभी यूजर्स के लिए, साथ ही में सभी दर्शकों के लिए जो चैनल है वो ऑफिशियली तौर पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। जी हाँ, डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर इस चैनल की अगर माने ई ऑक्शन से पहले ये चैनल की टेस्टिंग शुरू की गई है और आने वाले एनुअल ई ऑक्शन तक ये चैनल डीडी फ्रीडिस का प्लेटफॉर्म पर हिस्सा बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल की जो स्टार्टिंग है वह हमारे लिए 83° सी बैंड की सैटेलाइट पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर ये जो चैनल है टेस्ट सिग्नल के तौर पर देखने को मिल जाएगा, जो कि सिमारो क्लासिक नाम का जो चैनल है जहाँ पर हमारे लिए ओल्ड फिल्मों की जो फिल्में हैं वो यहाँ पर दिखाई जाती हैं। अभी फिलहाल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिल्म जो है ओल्ड चल रही है और टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, जो चैनल से वो नया है। और इसके टीपी की अगर बात करते हैं, अगर आप 83° सेटेलाइट पर देखना पसंद करते हैं तो अगर आपके पास सेट है तो आप इस चैनल को देख सकते हैं 3925 हॉरिजॉन्टल 28500 इस टीवी पर ये जो चैनल से शुरू कर दिया गया है। और ये जो चैनल से ई ऑक्शन से लगभग ठीक 4-5 महीने पहले ही शुरू किया गया है, यानी कि एनुअल ई ऑक्शन में जो चैनल है वो डीडी फ्रीडिस का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये ऐसा मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कारण है, सिमार नेटवर्क ने अभी तक जितने भी चैनल लॉन्च किए हैं वो डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर वो जो चैनल्स देखने को मिले हैं। जी हाँ, डीडी फ्रीडिस के सभी यूजर्स के लिए सिमारो नेटवर्क जो भी चैनल लॉन्च करता है उसे ऑफिशियली तौर पर प्रकाशित करता है और डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। तो फिलहाल में हमारे लिए ऑक्शन से पहले ये जो चैनल्स की शुरुआत काफ़ी अच्छी बात है। जो भी ओल्ड फिल्में देखना पसंद करते हैं और पुराने फिल्में के शौकीन हैं तो उनके लिए ये जो चैनल्स है डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। और सिमारो मराठी बाना हो गया, सिमारो टीवी हो गया, यानी कि सिमारो का जो एक कार्टून का चैनल है चुंबक टीवी हो गया, ये सभी चैनल डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और ये भी चैनल्स की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और जैसे उसकी टेस्टिंग समाप्त होते ही ये जो चैनल है सबसे पहली झलक डीडी फ्रीडिस के यूजर्स के लिए ही दिखाई जाने वाली है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, मुलाकात होगी हमारे आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।